कैसे करें डॉट कॉम से मैं हूं गोगी और आपकी यहां पर हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी और बताने वाले हैं आपको कि MI बैंड 3 को जब वो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। इसके अंदर जब वो सीधा कोई ऑप्शन नहीं होता है, एक फिज़िकल बटन जब वो नहीं है, एक टच बटन है इसके अंदर और उसके ज़रिए जब वो आपको अपने मोबाइल से कनेक्ट करना होता है। लेकिन ये वाला जब वो कनेक्ट करने के लिए इसमें कोई खास सीधा ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं होता है, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट तो होता है लेकिन ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं है कि उसको आप ऑन कर लें और यहाँ पर सर्च करके जब वो कनेक्ट कर लें। तो आपको बताएंगे प्रोसेस कैसे जब आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देख लीजिए और सीख लीजिए कैसे करें। तो आपने अगर ख़रीदा है नया MI बैंड 3 और आपको जब वो प्रॉब्लम हो रही है आपके MI बैंड 3 को कनेक्ट करने के लिए अपने फ़ोन से, तो ऐसा लाजमी है, ऐसा बहुत बार जब वो होता है हमारा, जब वो चाहते हैं हम लोग कनेक्ट करना हमारे फ़ोन से इस बैंड को, तो लॉन्ग प्रेस करके आपको पता है हम लोग इसको ऑन कर सकते हैं। तो ऑन करने के बाद आपको जब वो इस बैंड के अंदर कुछ खास नहीं करना होता है, बिल्कुल आपको जब वो इस बैंड के अंदर कुछ भी खास नया नहीं करना होगा। अगर आप इसको जब वो चाहते हैं पेयर करना अपने फ़ोन के साथ, आपको जब वो सीधा आप घुसना होता है अपने फ़ोन के अंदर और फ़ोन के अंदर सबसे पहले तो आपको जब वो डाउनलोड करना होता है ये MI फिट नाम का ऐप, बिल्कुल जो दिख रहा है ना आपको ये वाला, कोई ज़रूरी नहीं है आपका फ़ोन MI का हो या कोई और कंपनी का भी हो सकता है, सैमसंग, सोनी, एप्पल, जो मर्जी जो वो हो सकता है। आपको डाउनलोड करना होता है प्ले स्टोर से जाकर के ये MI फिट ऐप। उसके बाद जब आपको ऊपर की तरफ से जो है वो फ्लैट बेड गिराते हुए यहाँ पर जब वो आपको ऑन करना होता है या फिर जब वो कहें सकें कि ब्लूटूथ जो वो उसको ऑन करना होगा, तो आप ब्लूटूथ को जो है वो यहाँ से ऑन कर दीजिए। उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ओपन करना है MI फिट ऐप जैसा आपको स्क्रीन पे बिल्कुल हम लोग दिखा रहे हैं और जब तक हमारा ऐप सही से ओपन होता है आप जो वो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो यहाँ पर जब वो ओपन होने के बाद आप देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ आपको जो वो ऑप्शन मिलेगा एक प्रोफाइल का, ऐप जो वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। प्रोफाइल पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखेंगे आप बीचों बीच एक ऑप्शन दिख रहा है ये वाला माई डिवाइसिस के साथ में, जब वो मिलेगा आपको ऑप्शन एक ऐड डिवाइस का, तो आप जब वो ऐड डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आपसे पूछा जाता है कि आपकी जब वो डिवाइस कौन सी है, बैंड है, वॉच है या फिर बॉडी स्केल है या फिर जो वो स्मार्ट शूज़ है, क्या है, तो हमारा बैंड है, हम लोग बैंड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जब वो हमसे कहा जाता है कि क्या आप सही में इसको जब वो कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप ओके कर दीजिए। उसके बाद देखिए वो कहता है कि आप जब वो अपने बैंड को जो वो बिल्कुल पास रखिए, तो मैं जो वो फ़ोन से बिल्कुल इसको सटा देता हूँ। अभी देखिएगा आपको यहाँ पर जब वो लॉन्ग प्रेस करने के लिए कहा जा रहा है, ये हमारा बैंड जो है वो इस तरफ आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि आप जब वो इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस कीजिए, बीच वाला जो बटन है हमारा ये वाला, इसके ऊपर काफ़ी देर तक दबाने के लिए जो वो हमें कहा जाता है कि टैप द बटन, तो आप जब वो बटन को टैप कर दीजिए और पेयर्ड जब वो आ जाता है, देखिए बिल्कुल आपको दिखाया गया कि टैप द बटन टू पेयर, तो आपको जब वो दिखाया जा रहा है पेयरिंग के लिए हमारे बैंड में जब वो कह दिया गया है कि पेयर जब वो हो चुका है और यहाँ पर भी जब वो बिल्कुल आ चुका है कि पेयर जब वो आप कर चुके हैं अपने बैंड को, बिल्कुल इस तरह से आप जब वो पेयर कर सकते हैं। इसके अंदर आगे जब वो आपको कुछ खास नहीं करना, ये ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं कि आप क्या क्या और कैसे कैसे जब वो कर सकते हैं। इसके अंदर और बहुत सारी सेटिंग्स होती है जो आप चाहें तो जब वो कर सकते हैं अपने बैंड की, तो आपको जब वो करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम लोग बताएं आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में डाल दीजिएगा कि हमें जब वो उन सारी सेटिंग्स के बारे में और फीचर्स के बारे में बता दीजिए, तो उसकी वीडियो जो है वो आपके लिए जल्द ही पहुँच जाएगी। तो इस तरह से आसानी से जब वो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं अपने MI बैंड 3 को अपने मोबाइल फोन से। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वाली जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को लाल कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके घंटी को दबा लीजिए ताकि ऐसी जानकारियां आपको और मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए कैसे करें।